हेलो दोस्तों, मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस यूरोप चैनल ट्रेन यात्रा पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ट्रेन नंबर 12542 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर गोरखपुर को जाने वाली संत कबीर धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में जानेंगे। इस ट्रेन की सारी जानकारी, जो कि डेली ट्रेन है, तो मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। दोस्तों, 12542 मुंबई गोरखपुर संत कबीर धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन की देखरेख नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन अपने अंदर करती है। दोस्तों, हरी झंडी दिखाया गया था 7 फरवरी 2010 को। ये एक डेली ट्रेन है। ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से डेली खुलती है गोरखपुर के लिए। 1680 किलोमीटर का ट्रेवल डिस्टेंस ये ट्रेन अपने 29 घंटे 50 मिनट पूरा करती है। इसके मुंबई से लेकर गोरखपुर तक तकरीबन 15 होल्ट आते हैं 56 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से। और दोस्तों, इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की सुविधा मिलेगी, ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा मिलेगी और ई कैटरिंग की सुविधा मिलेगी। मतलब इस ट्रेन में एक पेंट्री कार इसका खुद का कोच है और आप बाहर से खाना मंगाना चाहते हैं तो ई कैटरिंग की सुविधा है और ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा है। लोकोमोटिव की बात करूँ तो इस ट्रेन में मुंबई से लेकर गोरखपुर तक भुसावल सेट का WAP4 या फिर इटारसी सेट का WAP4 या फिर इटारसी सेट का WAP7 लोकोमोटिव यूज होता है। अब बात करते हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर संत कबीर धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। कितना किराया है इसका मुंबई से लेकर गोरखपुर तक का? इस ट्रेन में सेकेंड एसी क्लास का एक डब्बा होता है जिसका किराया है मुंबई से गोरखपुर 2575 रुपये पर पर्सन इंक्लूडिंग GST इंक्लूडिंग सुपरफास्ट चार्जेस। वहीं थर्ड एसी क्लास की बात करूं, इस ट्रेन में दो डब्बे थर्ड एसी क्लास के होते हैं जिसका किराया है 1770 रुपये पर पर्सन। वहीं इस ट्रेन में स्लीपर के 8 डब्बे होते हैं जिसका किराया है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर 670 रुपये पर पर्सन। वहीं इस ट्रेन में जनरल के 8 डब्बे होते हैं जिसका किराया है 378 रुपये पर पर्सन। जनरल के इस ट्रेन में 8 डब्बे होते हैं। अब बात करते हैं संत कबीर धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल रूट हॉल्ट के बारे में, कब अपने स्टेशन पहुंचती है, कब वहां से डिपार्च करती है। दोस्तों, ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से डेली सुबह में 11:10 पर प्लेटफॉर्म 2 से रवाना होती है गोरखपुर के लिए। अब संत कबीर धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुँचती है इगतपुरी दोपहर में 1:35 पे। इगतपुरी में इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 1:40 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। अब ये पहुंचती है भुसावल जंक्शन शाम को 5:45 पे। 5 मिनट रुककर शाम को 5:50 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती है। अब ये ट्रेन पहुंचती है खंडवा जंक्शन रात में 9 बजे। यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। रात में 9:05 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है गोरखपुर के लिए। अब संत कबीर धाम एक्सप्रेस पहुंचती है इटारसी जंक्शन रात में 11:30 5 मिनट रुककर रात में 11:35 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। अब ये पहुंचती है भोपाल जंक्शन रात में 1:05 पे 10 मिनट रुककर रात में 1:15 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है भोपाल से। अब ये पहुंचती है झांसी जंक्शन सुबह में 5:15 पे 10 मिनट रुककर सुबह में 5:25 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती है गोरखपुर के लिए। अब ये पहुंचती है दोस्तों उरई सुबह में 6:49 पे 2 मिनट रुककर सुबह में 6:51 पे उरई से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अब ये पहुंचती है पुखराया सुबह में 7:45 पे 2 मिनट रुककर सुबह में 7:47 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है पुखराया से। दोस्तों, अब संत कबीर धाम एक्सप्रेस पहुंचती है कानपुर सेंट्रल सुबह में 9:50 पे 10 मिनट रुककर सुबह में 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना होती है गोरखपुर के लिए। अब ये पहुंचती है एस बाग सुबह में 11:25 पे 15 मिनट रुककर सुबह में 11:40 पे यहां से रवाना होती है गोरखपुर के लिए। अब ये पहुंचती है बादशाह नगर सुबह में 11:57 पे 2 मिनट रुककर सुबह में 11:59 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 से रवाना होती है गोरखपुर के लिए। अब ये पहुंचती है गोंडा जंक्शन दोपहर में 2:05 पे 5 मिनट रुककर दोपहर में 2:10 पे
प्लेटफॉर्म में 2 से रवाना होती है। दोस्तों अब संत कबीर धाम एक्सप्रेस पहुंचती है बभनान दोपहर में 2:51 पे, 2 मिनट रुककर दोपहर में 2:53 पे बभनान से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अब ये पहुंचती है बस्ती शाम को 3:27 पे, 3 मिनट रुककर शाम को 3:30 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती है गोरखपुर के लिए। अब ये पहुंचती है खलीलाबाद अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन खलीलाबाद पहुंचती है शाम को 3:52 पे, 2 मिनट रुककर शाम को 3:54 पे यहाँ से रवाना होती है। अब संत कबीर धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने डेस्टिनेशन पहुंचती है गोरखपुर जंक्शन शाम को 5:00 प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगती है अपनी 1680 किलोमीटर की दूरी तय करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।